विजयनगर बस टर्मिनल हॉस्पिट, यहीं से आपको हम्पी के लिए बसेस मिलेंगी, बादामी के लिए बसेस मिलेंगी। इस वक्त हम इलकल बस स्टैंड पे हैं, यहाँ से हम जाएंगे बादामी। ये बस है हमारी जो हमें बादामी लेके जाएगी। हम्पी टू बादामी का डिस्टेंस 140 किलोमीटर है, जो कि 3.5 से 4 घंटे लगते हैं बादामी पहुँचने के लिए, और बस फेयर है तकरीबन 250 रुपीज़, 250 रुपये के करीब। यूजुअली लोग हम्पी विज़िट करते हैं और बादामी भी करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग सिर्फ हम्पी एक्सप्लोर करके चले जाते हैं। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप हम्पी जाएं तो एक दिन आप समय निकाल करके बादामी भी ज़रूर जाएं। बादामी बस स्टैंड से तकरीबन 1 किलोमीटर बादामी केव्स, 1 किलोमीटर की दूरी आप बाय वॉकिंग भी कर सकते हैं, या तो फिर शेयरिंग ऑटो भी ले सकते हैं जो 10 रुपये चार्ज करेंगे। सो ये है बादामी केव्स। बादामी केव्स में टोटल 4 केव्स हैं। अगर आप चाहें तो लोकल गाइड भी ले सकते हैं और वो आपको पूरा हिस्ट्री इसके बारे में बता सकता है। 4 केव्स में से फर्स्ट केव भगवान शिव को समर्पित है, और अर्धनारीश्वर और तांडव नृत्य करते हुए नटराज अवतार की नक्काशी की हुई है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है भगवान शिव की, और अर्धनारीश्वर तांडव नृत्य करते हुए। बादामी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसकी एंट्री टिकट है 25 रुपीज़। बादामी केव्स में आपको काफ़ी सारे बंदर मिलेंगे, आप अपने सामान का खासा ख्याल रखिए, वरना वो छीन करके भाग भी सकते हैं, बंदर काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, तो आप अपने सामान का ख्याल रखें। केव 2 विष्णु भगवान को समर्पित, इसमें विष्णु भगवान की गरुड़ अवतार की मूर्ति आप देख सकते हैं।
बादामी केव्स अगर आप जाना चाहें तो आप डायरेक्ट ट्रेन से भी आ सकते हैं। पूना बॉम्बे से आपको डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएगी और बस की सुविधा तो है ही, आप चाहे तो ट्रेन भी ले सकते हैं। केव 3 भी विष्णु भगवान को समर्पित है, जिसमें कि नरसिंह की मूर्ति विष्णु भगवान की है। काफी मूवीज की शूटिंग हुई है यहाँ पर। गुरु मूवी की शूटिंग यहीं पर हुई थी, उसका पूरा सॉन्ग यहीं पर फिल्म हुआ था। एक लो एक मुफ्त सॉन्ग ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन, यहीं पर पूरे गाने की शूटिंग हुई थी। और भी साउथ की बहुत सारी मूवीज की शूटिंग यहां पर हुई है। रावड़ी राठौड़ का क्लाइमेक्स सीन भी यहीं पर फिल्म हुआ था। बहुत ही फेमस बादामी केव्स। नॉर्मली आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान की जो प्रतिमा या मूर्ति होती है वो हमेशा नाग देवता के सेज पर लेटे हुए होते हैं, मगर इसमें इस केव में वो बैठे हुए हैं। काफी सुंदर और आकर्षित इनकी प्रतिमा। जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर कोई मूर्ति नहीं है। K4 K4 भगवान महावीर को डेडिकेटेड है। यहाँ पर आप भगवान महावीर की मूर्ति देखेंगे। ये पूरी गुफा में भगवान महावीर की मूर्ति, काफी सुंदर मूर्ति। जैन धर्म के लोग महावीर को मानते हैं और ये चौथी जो गुफा है वो भगवान महावीर को डेडिकेटेड है।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बादामी के सराउंडिंग में आप देखेंगे अगस्त्य लेक और भूतनाथ टेंपल। सो नेक्स्ट वीडियो में आप भूतनाथ टेंपल और अगस्त्य लेक देखेंगे, तो जुड़े रहिए।